नमस्कार फ्रेंड, श्रीमती जी की रसोई लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं बनाने जा रही हूँ मेथी, पनीर और मटर। तो उसके लिए मैंने क्या क्या सामग्री लिया है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इधर मैंने मटर लिया था एक बाउल, उसे मैंने बॉइल करके रख दिया है। और इधर मैंने मेथी लिया था, उसे भी बॉइल कर लिया है, एक उबाल लिया है मैंने कट करके। और इधर मैंने पनीर लिया है। और इधर मैंने जो मसाले पड़ते हैं, काजू, प्याज, लहसुन और हरी मिर्ची, इसे मैं हल्का सा फ्राई कर ली हूँ। अब मैं इस मसाले को जा रही हूँ पीस के, आपको कैसे बनाती हैं वो मैं दिखाना चाह रही हूँ आपको। फ्रेंड, आप देख सकते हैं मैंने गैस के ऊपर एक कढ़ाई रख दिया है, एक पैन रख दिया है। उसमें मैंने दो चम्मच तेल डाला हुआ है। अब मैं अपने पनीर को थोड़ा सा इसमें भून लूँगी। मैंने अपना पनीर हल्का सा फ्राई करके निकाल लिया है फ्रेंड। अब मैं जा रही हूँ तड़का देने। तेल हमारा गरम हो गया है, हम इसमें डालेंगे जीरा। जीरा डालने के बाद एक मैंने छोटा पत्ता तेज़पत्ता डाल दिया है। मेरा तेज़पत्ता जीरा लाल हो चुका है। अब मैं जो मसाले पीसी थी आप देख सकते हैं, उसे मैं उसकी ग्रेवी में इसमें डाल रही हूँ। डाल करके इसे भी मैं अच्छी तरह चला लूँगी जब तक कि मेरा मसाला भून नहीं जाता है, तेल ऊपर तक नहीं आ जाता, तब तक मैं इसे अच्छी तरह चला लूँगी। फ्रेंड, आप देख सकते हैं हमारा मसाला अच्छी तरह पक चुका है, जो मैंने ग्रेवी डाली थी। अब मैं डालूँगी इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर एक चम्मच, थोड़ा सा मैं और डालूँगी। ये मैंने कश्मीरी मिर्च लिया है वो डालूँगी, थोड़ी सी तीखी मिर्ची वाली पाउडर। और ये मैंने किचन किंग मसाला लिया हुआ है एक चम्मच, वो मैं डालूँगी। फ्रेंड, इसे भी डाल करके मैं अच्छी तरह भून लूँगी। फ्रेंड, मेथी मटर मलाई बनाने में बहुत आसानी से बन जाता है, इसमें आपको ज़रा भी परेशानी नहीं आती है। आप एक इसी तरह एक बार बनाइए, बहुत अच्छा बनता है। फ्रेंड, ये देखिए मेरा मसाला बहुत अच्छी तरह भून के हो चुका है और इसे मैं 5 मिनट तक लगभग भूनी हूँ। अब मैं गैस को थोड़ा स्लो कर देती हूँ। और ये मैंने मलाई लिया हुआ है फ्रेंड, आप देख सकते हैं। अब मैं अपने मलाई को सब्ज़ी में डाल दूँगी, इसे भी डाल करके मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। आप देख सकते हैं हमने मलाई जो डाला था मैंने उसे भी अच्छी तरह से पका लिया है, डाल करके बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। फिर अब इसमें से किनारे किनारे से तेल छोड़ने लग गया है, बहुत अच्छी तरह भून के ले लिया है मैंने। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। फिर अपने आवश्यकता अनुसार आप पानी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें लास्ट में नमक डालूंगी। लास्ट में नमक डालने का कारण ये है फ्रेंड कि आप मलाई पहले डालेंगे और लास्ट में नमक डालिए ताकि आपकी मलाई फटे नहीं। अब इसमें मैं उबाल आने देती हूँ थोड़ा सा।
अब लास्ट में नमक डालेंगे फ्रेंड, तो आपकी मलाई कभी भी फटेगी नहीं। हमारे मेरे सब्जी में उबाल आ चुका है, बहुत अच्छी तरह से इसकी ग्रेवी पक के तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं हमारी मेथी मटर मलाई पनीर बन के लगभग तैयार हो चुकी है। अब फ्रेंड मैं इसमें मटर ऐड कर देती हूँ और मेथी ऐड कर रही हूँ फ्रेंड। साथ में मैं पनीर ऐड कर रही हूँ फ्रेंड। इसे मैं अच्छी तरह मिक्स करके इसे भी मैं 3 से 4 मिनट और पकाऊंगी, उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ मेरी मेथी मलाई मटर पनीर कैसी बनी है। आप देखिएगा फ्रेंड, आप देख सकते हैं फ्रेंड हमारी मेथी मलाई मटर पनीर बनके तैयार हो चुकी है। बहुत अच्छी तरह बहुत अच्छा कलर आया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और मैंने इधर थोड़ी सी धनिया पत्ती ली है, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी और डाल करके मिक्स कर दूँगी। धनिया पत्ती डालने से ज़रा स्वाद में और अच्छा हो जाता है। बहुत अच्छी तरह से बनके तैयार हो चुकी है फ्रेंड, आप देख सकते हैं। अब मैं एक बाउल में निकाल के आपको दिखाती हूँ कैसी बनी है मेरी सब्जी। मेरी मेथी मलाई मटर पनीर की सब्जी बन के तैयार हो चुकी फ्रेंड, आप देख सकते हैं। मैंने एक बाउल में निकाल के दिखा रही हूँ आपको, आप इसी तरह एक बार ट्राई ज़रूर करें, बहुत अच्छी बनती है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अगर मेरी सब्ज़ी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे नए फ्रेंड ज़रूर मुझे सब्सक्राइब करिएगा और इसी तरह एक बार बना के देखिएगा फ्रेंड कैसी बनी है। अगर मेरी सब्ज़ी पसंद हो तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड।